अगर आप एक शाओमी फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन जो आपको शाओमी की तरफ से 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हे गाइज, मैं हूँ महेश, आप देख रहे सिस्टेक बना। गाइज, लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 डिवाइस की, जो है रेडमी का K30 4G। ये स्मार्टफोन चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जहां रेडमी K30 के साथ में आपको 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। ये डिवाइस ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है। प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलेगा। रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप है 64 मेगापिक्सल सोनी IMX686 के साथ में, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है। फ्रंट में 20+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा होने वाला है। बैटरी 4500 mAh की देखने को मिलेगी, जो 27 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगी। ये डिवाइस इंडिया में फरवरी मंथ में देखने को मिलेगा। प्राइस जो होगी वो 16,000 से 17,000 के बीच में रहने वाली है, जहां 4GB 6GB और 8GB वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 15,000 से 20,000 के बजट में अगर आप कोई डिवाइस देख रहे हैं तो आप रेडमी K30 4G के साथ में जा सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की, जो है शाओमी का MI Note 10। ये स्मार्टफोन शाओमी की तरफ से 2020 का सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है। ये स्मार्टफोन पेंटा कैमरा सेटअप के साथ में आएगा, जहां प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा, 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस 5x ऑप्टिकल जूम के साथ में, 20 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, डिस्प्ले में 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल एक कर्व डिस्प्ले के साथ में। डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर भी देखने को मिलेगा। इंडिया में ये डिवाइस स्नैपड्रैगन 730G के चिपसेट के ऊपर लॉन्च होगा। बैटरी 5260 mAh की देखने को मिलेगी, जहां 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस 25,000 से 30,000 के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होगा। ये डिवाइस जनवरी लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। गाइज, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप 108 मेगापिक्सल कैमरा डिवाइस के लिए एक्साइटेड हैं, और अगर 25,000 से 30,000 के प्राइस बजट में ये डिवाइस आता है तो क्या आप इसे लेना पसंद करेंगे। गाइज, अब बात करते हैं थर्ड डिवाइस की, और वो है एक एंड्रॉइड 1 डिवाइस शाओमी की A सीरीज को लेकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MI A4 स्मार्टफोन की। 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में शाओमी MI A4 डिवाइस को भी लॉन्च करने वाला है। ये फोन उन लोगों के लिए है जिनको स्टॉक एंड्रॉइड बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये डिवाइस 6.5 इंचेस के एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा, जहां आपको एक सेंट्रल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा, 8 मेगापिक्सल का वही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर आएगा। फ्रंट कैमरा वही 32 मेगापिक्सल का रहने वाला है। तो MI A सीरीज के डिवाइस जो शुरू से ही कैमरा सेंट्रिक डिवाइस माने जाते हैं, यहां पर भी वही ट्रेंड शाओमी फॉलो करने वाला है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 730G एक्सपेक्टेड है। बैटरी 4500 mAh की देखने को मिलेगी, जो कि 18 वोट के फास्ट चार्जर के साथ में आएगी। ये डिवाइस एंड्रॉयड 10 के ऊपर प्योर स्टॉक एंड्रॉयड पर रन करेगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग को लेकर, तो ये स्मार्टफोन 15,000 से 16,000 के प्राइस पर ही लॉन्च होगा और मार्च 2020 के मिड में आपको देखने को मिल जाएगा। गाइज, आपको स्टॉक एंड्रॉयड ज्यादा पसंद है या फिर MIUI, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। गाइज, अब बात करते हैं अगले डिवाइस की, जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 9 Pro डिवाइस की, जो कि चाइनीज सर्टिफिकेशन MIIT पर सर्टिफाइड हो चुका है और बहुत ही जल्द आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। स्पेक्स की बात करें तो Redmi Note 9 Pro के साथ में आपको 6.5 इंचेस का एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि ये डिवाइस एक सेंट्रल पंच होल डिस्प्ले के साथ में आ सकता है। डिवाइस 5G सपोर्ट करेगा। अब जैसे कि ये स्मार्टफोन एक बजट सेगमेंट पर ही लॉन्च होगा, तो यहाँ पर मीडिया टेक का 5G चिपसेट भी आपको देखने को मिल सकता है। कैमरास की बात करें तो रियर साइड में वही क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, जहां प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली सोनी IMX686 ही होने वाला है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी हो सकता है। फ्रंट कैमरा में ये डिवाइस इस बार 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ आएगा। बैटरी बैकअप हमेशा की तरह काफी अच्छा देखने को मिलेगा, तो यहां आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जहां
पर आपको 18 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है। गाइज अब बात करते हैं इस डिवाइस के लॉन्च डेट की। तो लास्ट ईयर फरवरी के लास्ट वीक में आपको Redmi Note 7 Pro देखने को मिला था, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि Redmi Note 9 Pro आपको फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक तक इंडिया में देखने को मिल जाएगा। गाइज एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, अगर Redmi Note 9 Pro मीडिया टेक के चिपसेट के साथ में आता है तो क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। गाइज अब आते हैं लास्ट और फाइनल डिवाइस पर। तो Redmi K20 और K20 Pro सीरीज इंडिया में लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, तो इस बार Xiaomi K30 Pro नाम से एक डिवाइस लेकर आ सकता है जहां आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट देखने को मिल सकता है। डिवाइस सुपर एमोलेड पैनल के साथ में आएगा जहां पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। कैमरास में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है जो कि सोनी IMX686 के सेंसर के साथ आएगा। K30 Pro को लेकर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है, बट Xiaomi 2020 के अंदर एक और फ्लैगशिप सीरीज का डिवाइस डेफिनेटली लेकर आएगा। हो सकता है डिफरेंट नेम के साथ में लॉन्च किया जाए। बैटरी 5000 mAh की देखने को मिल सकती है और ये डिवाइस 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आ सकता है। ये डिवाइस 5G नेटवर्क भी सपोर्ट करेगा, जैसा कि Xiaomi ने पहले ही कंफर्म कर दिया कि 2020 में इंडिया के अंदर वो Redmi सीरीज में काफी सारे 5G डिवाइस लॉन्च करने वाले हैं, तो K30 Pro भी आपको 5G नेटवर्क के साथ में देखने को मिलेगा। बात करें रिलीज डेट और प्राइसिंग की, तो ये डिवाइस ऑब्वियसली 30,000 के प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। और रही बात इसके लॉन्च डेट की, तो फिलहाल के लिए तो कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, बट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में शायद से ये डिवाइस आपको इंडिया में देखने को मिल जाए। तो गाइस ये है वो स्मार्टफोन जो आपको 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में Xiaomi की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा डिवाइस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।